गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप, आपका सेकंड सेमेस्टर पर्सनल भारतीय समाज को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले चैप्टर में एक्चुअली स्लाइड में हम लोगों ने लॉर्ड मैकाले को पढ़ा, विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति को पढ़ा, उसके बारे में हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर की। नेक्स्ट अब आगे बात करेंगे बुद्ध घोषणा पत्र की। मैंने लिखा है बुद्ध घोषणा पत्र अर्थात 1854 में बुद्ध घोषणा पत्र आया, इसके पीछे भी कई कारण थे। जैसा मैंने बताया प्रत्येक शिक्षा का प्रत्येक का उसके 20 साल बाद समीक्षा होती थी और उसमें क्या खामियां रही, क्या वो सफलताएं रही या कौन से वो लाभ रहे इसके दौरान, क्या वो लाभ रहे इसकी समीक्षा की जाती थी। अर्थात प्रत्येक 20 साल बाद प्रत्येक आज्ञा पत्र का उसकी समीक्षा की जाती थी। उसके बाद नवीन आज्ञा पत्र आता था जो शिक्षा के लिए नवीन या भविष्य के लिए आगे के लिए जो विषय होते थे, निर्धारित होते थे, उनके लिए शिक्षा नीति तय की जाती थी। इसलिए मैंने बताया था धर्म तेरा का आज्ञा पत्र था सबसे ज्यादा विवाद था, क्योंकि विवाद के कई विषय थे उसमें और खास तौर से चार विषय तो बहुत मेन थे। पहला था साहित्य क्या रहेगा, अर्थात प्राचीन रहेगा या पाश्चात्य साहित्य रहेगा, इस पर लगातार अंतर्विरोध जारी था। दूसरा था उसमें भाषा क्या रहेगी, जो भी शिक्षा रहेगी उस दौरान उसकी भाषा क्या रहेगी, अर्थात जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी या भारतीय भाषाएं होंगी। तीसरा था विज्ञानों की, उन्होंने बात की थी कि विज्ञान कौन से होंगे, पाश्चात्य विज्ञान होंगे या प्राचीन विज्ञान होंगे। और ज्ञान की बात की थी उन्होंने, पहला था ज्ञान, ज्ञान में क्या क्या शामिल रहेगा, पाश्चात्य ज्ञान शामिल रहेगा या प्राचीन ज्ञान शामिल रहेगा। तो ये कुछ विवाद के बिंदु थे जो लगातार चले आ रहे थे। इवन 1823 का जब चार्टर एक्ट आया उसमें भी इन विवाद के बिंदुओं को शांत नहीं किया जा सका, अर्थात उसको शांत करने के लिए हालांकि 1 लाख की जगह 10 लाख रुपए बढ़ा दिए गए, भारतीय शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे, लेकिन ये जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो तात्कालिक मुद्दे थे, उनका कोई समाधान नहीं कर सका। जब विलियम बेंटिक उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने क्या था 1834 में कानूनी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें सलाहकार के रूप में कौन आया, लॉर्ड मैकाले आया, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा वक्ता था और साहित्य का जानकार था, तो और अंग्रेजी का पूर्ण विद्वान था, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि विवादों को शांत किया जाए। क्योंकि लॉर्ड मैकाले क्या था, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का बहुत समर्थक था, पूरा वक्त था, इसलिए उसने भारतीय भाषाओं की अनदेखी की और अपने कुतर्कों द्वारा ये सिद्ध किया कि जो भारतीय भाषाएं हैं अविकसित हैं और उनको शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। भारतीय साहित्य की उसने कड़ी आलोचना की, कड़े शब्दों में आलोचना की, भारतीय ज्ञान की उसने कड़े शब्दों में आलोचना की, इसलिए उसने अपने कुतर्कों द्वारा ये सिद्ध किया कि पाश्चात्य ज्ञान पाश्चात्य भाषाएं अर्थात अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य जो विज्ञान है वही सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय जो विज्ञान है, भारतीय जो भाषाएं हैं और भारत के अंदर जो पाश्चात्य ज्ञान है वो अधूरा अविवेकपूर्ण है। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अच्छा से क्या किया, लॉर्ड मैकाले की ही बातों को मान लिया और शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाया। वो चाहता था या लॉर्ड मैकाले चाहता था कि शिक्षा को सर्वसाधारण को न दिया जाए, अर्थात शिक्षा सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध न कराई जाए, केवल उच्च कुलीन वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराई जाए, जो पढ़े लिखे धनाढ्य लोग हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। ये क्या होगा, चंचल क्या होगी, नीचे के तबके तक स्वयं पहुंच जाएगी। यहाँ तक सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी थी और इस सिद्धांत को छनाई का सिद्धांत, निषेधन का सिद्धांत कहा जाता था और इसको ऑकलैंड ने जो उस समय तत्कालीन मात्र गवर्नर जनरल था उसने अपनी शिक्षा की नीति को शिक्षा नीति में इसको शामिल किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब इन ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके शासकों का दायरा था, जो विस्तार था भारत में लगातार बढ़ता जा रहा था, उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी महत्वाकांक्षी था, वो भारत पर स्थायी शासन करना चाहता था, इसलिए उसने लोक कल्याण की जो तमाम योजनाएं थी उनको भी लागू किया और शिक्षा में भी वो व्यापक परिवर्तन देखना चाहता था। तत्कालीन समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक
ब्रिटिश पार्लियामेंट शिक्षा में व्यापक सुधार करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अब हम भारतीयों की शिक्षा की अनदेखी नहीं कर सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, हमें उनको शिक्षा के लिए बराबरी का स्थान देना ही होगा। इसलिए उस समय के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसने संसद के द्वारा कैबिनेट संसद के द्वारा एक एक्ट लाए, वो घोषणा पत्र लाए, और उस घोषणा पत्र में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एक बात समझ लेते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डायरेक्टर की है यहां पर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एजुकेशन था उस समय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उस समय तत्कालीन कौन थे, विलियम बुट थे, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे, उसके डायरेक्टर थे वो कौन थे, विलियम बुट थे, लिख देता हूं यहां पर, लिख लें आप लोग, विलियम बुट थे, इनकी अध्यक्षता में उन्होंने एक एजुकेशन कमेटी का निर्माण किया और उससे ये कहा कि आप लोग भारतीय शिक्षा जो समय तत्कालीन भारतीय शिक्षा है उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या खामियां हैं, और पिछला जो विवाद था उसको शांत करने के लिए उन्होंने कुछ सिफारिशें मांगी। उन्होंने कहा आप कुछ रिकमेंडेशन कीजिए, कुछ सिफारिशें कीजिए ताकि हम आगामी शिक्षा नीति को लागू कर सके। इसलिए जो विलियम वुड थे उन्होंने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ली। उस सिफारिशों से पहले समझ लेते हैं घोषणा पत्र की जरूरत क्या थी और समस्या को विषयों पर स्पष्टीकरण क्या था। तो उन्होंने कहा इस समय भारत में बहुत बड़ी जरूरत है कि जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें भारतीय को शिक्षा प्रदान की जाए। पहली बात उन्होंने कही भारतीय भाषाओं में, नंबर एक था, मैं लिख देता हूं यहां पर, लिखता चाहता हूं पहले, भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, पहली जो आवश्यकता थी उन्होंने कहा तत्कालीन समय में भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारतीय ये भी जोड़ा उन्होंने, हम लिखेंगे नहीं आगे, आप लिखना चाहे लिख लें, अंग्रेजी शिक्षा को भी भाषा का माध्यम बनाया जा सकता है। उन्होंने द्वार के लिए अंग्रेजी के लिए दरवाजे खुले रखे। उन्होंने कहा भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है लेकिन अंग्रेजी को भी शिक्षा का माध्यम बनाना या बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या किया उन्होंने कहा इस समय भारत में तत्कालीन भारत में जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी आवश्यकता है, अतः उन आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीयों की जो शिक्षा की भाषा होगी, शिक्षा का जो माध्यम होगा वो क्या क्या बनाया जाए, भारतीय भाषाओं को बनाया जाए लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को भी भाषा का माध्यम बनाया जा सकता है, ये बात उन्होंने कही। अगला दूसरा था उन्होंने कहा प्राच्य साहित्य की अपनी विशेषता है, जो भारतीयों की, लिखते चलेंगे आप लोग, जो भारतीयों की आवश्यकता है अतः मैं लिखूंगा नहीं आगे, अतः प्राचीन साहित्य को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात तत्कालीन शिक्षा में भारतीयों के प्राचीन साहित्य को महत्व दिया जाए, उनकी संस्कृति को महत्व दिया जाए। अगली उन्होंने बात की
भारतीय साहित्य का जो भी साहित्य है उसके प्रचार एवं प्रसार का संपूर्ण उत्तरदायित्व कंपनी पर डाल दिया जाए, अर्थात वो कंपनी अब अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, ये नहीं कह सकती कि भारतीयों के जो ज्ञान है उसका साहित्य है उसके प्रचार प्रसार के लिए भारतीयों की ही जिम्मेदारी है। नहीं, ये इस बात को उन्होंने समझा कि भारतीयों के जो साहित्य है, ज्ञान का प्रसार प्रसार है, प्रचार या प्रसार है, उसकी जिम्मेदारी आवश्यक रूप से कंपनी को उठानी होगी, उसका निर्णय कंपनी को ही करना होगा। ये तीन बातें हुई जो महत्वपूर्ण थी, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो व्यापक रूप से घोषणा पत्र में घोषणा पत्र की जरूरत थी और समस्या का जो स्पष्टीकरण था, क्लैरिफिकेशन था, इस घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया, ठीक है। तो टॉपिक को कवर हुआ, अगला देखते हैं। भारतीयों को भारतीयों की मातृभाषा है, भारतीयों की
जो भी बात की है, जो अब तक की एक बड़ी समस्या थी, लॉर्ड मैकाले ने जो एक बांध के रखा था भारतीय भाषाओं की, भारतीय भाषा की जो लोकल अपनी मातृभाषाएं थी भारतीयों की, जोरदार रूप से चाहती थी, एक खुले तौर पर कोई चाहती थी। इस समस्या को गहनता से अध्ययन करते हुए इस समिति के सदस्यों ने कहा कि भाषा का माध्यम है तो भारतीय भाषाओं को बनाया जाए, भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, साथ ही अंग्रेजी को भी, साथ ही अंग्रेजी को भी शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा, जिन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं की तत्कालीन समय में उपेक्षा हो रही थी, उन्होंने इसको महत्वपूर्ण समझा और इस समस्या को उन्होंने बड़ी चतुरतापूर्ण समाधान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं हैं, भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः भारतीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। एक और शब्द जोड़ा उन्होंने, साथ ही अंग्रेजी शिक्षा को भी भाषा का माध्यम बनाया जा सकता है। ये नंबर दो क्लियर होता है। दूसरी सिफारिश थी, तीसरी सिफारिश थी पाठ्यक्रम। उन्होंने कहा पाठ्यक्रम फारसी साहित्य को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा जो भारत की संस्कृति है, भारत का साहित्य है, जैसे संस्कृत की बात की उन्होंने, संस्कृति अरबी एवं फारसी साहित्य है, इसको क्या किया जाए, पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। अगली सिफारिश की लिखी वो देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, दिन तक हम मुद्दा कर लें, उसके बाद हम लोग आगे लेते हैं। इसको देखते हैं पाठ्यक्रम में उन्होंने एक और जोड़ी थी, साथ ही पांच चार्ट साहित्य भी महत्वपूर्ण है, भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझते हैं हम लोग, ये समझ चुके हैं। ठीक है, हमने अगली विशेषता है, इसको बता देते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे फिर। अगला है जन शिक्षा प्रबंध, चौथी बात करेंगे। चौथा है जन शिक्षा पर बल,
इसको समझते हैं। मैंने बताया था 1839 ईस्वी में ऑकलैंड की जो नीति शिक्षा नीति थी उसमें उसने क्लियर कट किया था कि जो छनाई सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत है उसी को महत्व दिया जाएगा, अर्थात शिक्षा सब साधन के लिए प्रदान नहीं की जाएगी, केवल कुछ कुलीन वर्गों के लिए अर्थात ऐसे लोगों के लिए जो राज सत्ता के अधिकारी है उन्हीं को प्रदान की जाएगी। इसके उलट इस घोषणा पत्र में इस समस्या को जो शिक्षा समिति थी उसके सदस्यों ने गहराई से समझा, उसका निराकरण किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगी अर्थात जन साधारण के लिए उपलब्ध होगी। तो ये अगली सिफारिश थी, पांचवी सिफारिश देखते हैं हम लोग। अगली सिफारिश है विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थापना गुड घोषणा पत्र में यह सिफारिश की गई मुंबई कलकत्ता चेन्नई। देखते हैं यहां पर मुंबई कोलकाता और मद्रास तत्कालीन समय की प्रेसिडेंसी तीनों महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियों में उन्होंने कहा कि लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर भारत में भी विद्यालय खोले जाएं। इन प्रेसिडेंसियों में लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर विश्वविद्यालय खोले जाएं। इससे वो चाहते थे कि भारतीय शिक्षा में जो इस्लाम का प्रचार, भारतीय शिक्षा में जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश या अंग्रेजों की शिक्षा नीति है वो आगे बढ़े, उनकी संस्कृति का प्रसार हो, उनके बौद्धिक ज्ञान का प्रसार हो। तो ये वो चाहते थे मुंबई कोलकाता मद्रास में क्या हो, लंदन विश्वविद्यालय के पैटर्न पर नवीन विश्वविद्यालय खोले जाए। अगली सिफारिश की उनकी वो देखते हैं क्रमबद्ध। अगला है छठवां, छठवीं सिफारिश क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। इसको समझते हैं ग्रेडेड स्कूल की स्थापना की बात की उन्होंने या इंटीग्रेटेड स्कूल की व्यवस्था की बात की। उन्होंने वो चाहते थे कि शिक्षा का कार्य छात्रों को अनवरत रूप से मिलता रहे, अर्थात शिक्षा अनवरत रूप से लगातार धारा प्रवाह से जारी रहे, अर्थात शिक्षा बालकों के लिए अनुदान हो, अर्थात बालक शिक्षा को एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, तीसरे स्तर से अगले स्तर की शिक्षा लगातार प्राप्त करते चले जाएं और उनको विद्यालयों की जो सुविधा है वो आसानी से प्राप्त होती रहे। इसलिए इस समिति में या इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से सिफारिश की गई कि विद्यालय हो कैसे हो, ग्रिड टाइप के हों, अर्थात पहले क्या हो प्राथमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, साथी उनके साथी क्या हो, उनके साथी लगे हुए कैसे विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, इसी के साथ और कैसे विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, इसी के साथ क्या हो, हाईस्कूल हो, कॉलेज हो, तथा क्या हो, महाविद्यालय हो, सब दिख रहा है महाविद्यालय हो, अर्थात मुद्दिस्पेक्ष में मुख्य वर्ष की गई कि क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना की जाए। जैसे मैंने क्रम बताया पहले
क्या हूँ, प्राथमिक विद्यालय हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय हूँ, माध्यमिक विद्यालय हूँ, फिर हाईस्कूल के हूँ, कॉलेज हूँ, विद्यालय हूँ, उसके बाद उसके साथ ही विश्वविद्यालय भी हूँ, विद्यालय भी हूँ, ताकि छात्र अपनी शिक्षा को अनवरत रूप से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहे। ये 19 वर्ष की अगली वर्ष देखते हैं सहायता अनुदान। अगला है सातवां देखेंगे सहायता अनुदान। सहायता अनुदान अर्थात ग्रांट एड भी होने बात की। ग्रांट एड उन्होंने कहा जो भी भारत में भारतीयों द्वारा, ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा या तत्कालीन सरकार द्वारा जो भी विद्यालय खोले गए हैं उनको उदारता पूर्वक क्या किया जाए, ग्रांट एड दी जाए, अनुदान प्रदान किए जाए, ताकि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को और अच्छे तरीके से और सुव्यवस्थित रूप से बढ़ा सके और इस कार्य में जो भी सरकारें हैं बिना किसी भेदभाव के क्या करें, सहायता अनुदान दें, जो तत्कालीन शिक्षा की बहुत बड़ी सिफारिश थी या तत्कालीन शिक्षा की या घोषणा पत्र की बात करेंगे मुख्य सिफारिश थी, इससे बहुत आने वाले आगे की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगली सिफारिश थी आठवीं देखेंगे आठवीं सिफारिश देखते हैं साथ हो गए थे आठवां देखते हैं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। हम लोगों ने अब तक वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल या मुस्लिम काल की शिक्षा पढ़ी, इसके आगे हमने क्या पढ़ा, विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति पढ़ी, ऑकलैंड की शिक्षा नीति पढ़ी, कहीं भी शिक्षित अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग कॉलेजेस की बात नहीं की गई थी, अर्थात अब तक सबसे बड़ी जो खामी थी शिक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षित शिक्षकों का क्या होना था। तत्कालीन घोषणा पत्र में ये सिफारिश की गई कि ब्रिटिशर्स की भांति ब्रिटिश के लिए अर्थात अंग्रेजों के लिए जो इंग्लैंड में शिक्षकों की प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक उन्हीं की तरह भारत में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली जाए, ताकि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में महारत हासिल करें और बेहतर तरीके से शिक्षण का कार्य कर सके। अगली सिफारिश थी वो थी नौ देखते हैं स्त्री शिक्षा की। स्त्री शिक्षा पर बल। इस घोषणा पत्र में यह महसूस किया गया कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों की शिक्षा है वो पर्याप्त नहीं है, अर्थात स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूर्ण नहीं है, अर्थात भारत में भारतीयों की स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। इस समस्या को भी इस घोषणा पत्र ने जनता से दल किया और उन्होंने कहा कि भारत में भारतीयों की स्त्री की शिक्षा के लिए शिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त रूप से होनी चाहिए, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। अगला है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। दसवां लिखेंगे यहां व्यावसायिक शिक्षा पर बल। शिक्षा पर बल तत्कालीन घोषणा पत्र की ये सबसे बड़ी विशेषता थी या सबसे सलाह की तरफ सबसे बड़ा कदम था। उन्होंने कहा
कि भारत में व्यवसाय के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, अर्थात ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएं जिनके द्वारा भारतीय अपनी रोजी रोटी या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने औद्योगिक शिक्षा की बात की। उन्होंने क्या किया, नंबर एक औद्योगिक शिक्षा की बात की, लघु उद्योग की बात की, लघु उद्योगों की बात की, सॉरी लघु उद्योगों की बात की तथा अन्य प्रकार की व्यवसायिक शिक्षक संस्थाओं की भी बात की, ताकि भारतीय अब क्या हो सके, शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर हो सके। अगली विशेषता हम देखते हैं 11, प्राची भाषाओं में है, प्राची भाषाओं में लिखते चले आप लोग, प्राची भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन लॉर्ड मैकाले ने अपने मैकाले निर्देश में कहा था कि जो भी भारत की प्राचीन साहित्य है उसका प्रकाशन बंद कर दिया जाए या प्रभावपूर्ण तरीके से तत्काल रूप से क्या किया जाए, प्रकाशन बंद कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर उदारता दिखाई, जो भी इसके मेंबर थे, समिति के मेंबर थे, उन्होंने उदारता दिखाई। उन्होंने कहा प्राच्य साहित्य में भी यूरोपीय जो पुस्तकें हैं या प्राच्य भाषा में उनका प्रकाशन किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय जो पाश्चात्य साहित्य है उससे अवेयर हो सके, उसके जानकार हो सके। अगली विशेषता है इसकी शिक्षा में धर्म निरपेक्षता, बारे शिक्षा में धर्म निरपेक्षता इसको समझते हैं। जब लॉर्ड मैकाले ने विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति में सिफारिश की थी कि नई शिक्षण संस्थाओं को ग्रांटेड दिया जाए अनुदान सहायता अनुदान राशि दी जाए जो शिक्षण संस्थान यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय विज्ञान, यूरोपीय कला का ज्ञान दे रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।